बात सुन लीजिए, हुकूमत जो मर्जी चाहे, फॉरेन मिनिस्टर जो मर्जी बयान दे, जो मर्जी नया गाना रिलीज कर देंगे, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर आ रहा है। आज नहीं, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, छह महीने बाद, साल बाद, ये मुमकिन नहीं है कि वो ना आए। और जब वो आएगा तो इनकी सारी ये खुराफात जो ये बकते फिर रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, अक्वामे मुत्तहिदा हमें प्लेबिसाइट करवा के दे, हम अमन का हाथ बढ़ा रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को सीधा एक मिनट स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप आगे देखेंगे जैद हामिद। जैद हामिद के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलना है नहीं। आपको पता है कपिल शर्मा शो बंद हुआ है, लेकिन जैद हामिद शो अभी बंद नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में बात। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर। नहीं कि वो शालक कट चुकी है या बाकी है अभी। देखिए वकास, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और हम क्लेम करते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इसलिए बनाया कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लेकिन अगर आज पाकिस्तान ने कोई गैरत, कोई शर्म, कोई हया सीखनी है तो अज़रबैजान से सीखे। उसका भी इसी तरह का एक मसला था, 30 साल से चला आ रहा था। वो भी अक्वामे मुत्तहिदा के पास जाया करते थे, वो भी पूरी दुनिया से कहते थे कि हमारा मसला हल करा दो निगोरो काराबाग का। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि पूरी दुनिया किसी सूरत में भी उनकी मदद नहीं करेगी, पूरी दुनिया जालिम का साथ देगी, तो उन्होंने फिर तलवार निकाली और जाके अपना मामला तय कर लिया। 3 हफ्ते में अपना इलाका वापस लेकर पूरा वो इलाका आजाद करा के अपने वजूद में शामिल कर लिया। 70 साल हो चुके हैं, 3 नस्लें गुजर चुकी हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान अगर ये समझते हैं कि अक्वामे मुत्तहिदा वहां पर उनको कोई इंसाफ या कश्मीर दिला देगा पाकिस्तान का हिस्सा, तो इनसे बड़ा अहमक और जाहिल कायनात में कोई। ये लोग ना सिर्फ अहमक और जाहिल हैं बल्कि बेशर्म और बेगैरत भी हैं। साफ बात कहूंगा, कश्मीर फलस्तीन बन चुका है, पैलेस्टिनाइजेशन शुरू हो चुकी है वहां पर। फलस्तीन में आपने देखा है कि 1948 में क्या फलस्तीन था और आज क्या फलस्तीन बना। हम भारत वो सारा काम जो इसराइल ने 70 साल में किया था, भारत अगले 3 साल में मुकम्मल कर देंगे। मगर जो बात कही जाती है कि तुमने जंग से बचने के लिए जिल्लत और रसवाई का रास्ता अख्तियार किया, तब तुम्हारे नसीब में जंग भी है और जिल्लत भी। तो साफ बात मैं कर रहा हूं कि अब जो कुछ पाकिस्तान के साथ होगा इस हुकूमत के अहदे इख्तदार में, जैसा पाकिस्तान कश्मीर लेगा या पाकिस्तान आजाद कश्मीर दुश्मन के पास जाएगा, इसका फैसला इमरान की हुकूमत में होगा। और जो इनके तेवर हैं, जो इनके हालात हैं, जो इनकी सूरत हाल है, जिस तरह की पैसिफिज्म है, जिस तरह का डिफेंसिव खौफजदा एटीट्यूड है इनका, मुझे खौफ है अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हम मुजफ्फराबाद हाथ के ना धो बैठेगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी इस वक्त पूरी तरह एग्रेसिव होकर, खासतौर पर जो बाइडन के आने के बाद, इसराइल और अमेरिका पूरी तरह भारत की पुश्त पर है कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत और एटमी ताकत को खत्म करने के लिए अभी नरेंद्र मोदी के भारतीय हिंदुत्व कुत्ते लॉन्च किए जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तानी कौम तैयार नहीं है, हुकूमत तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है, इसको तो पता ही नहीं कि इसके साथ होने क्या क्या। मुझे लगता अल्लाह ना करे जिस तरह सकूत ढाका ईस्ट पाकिस्तान अयूब याहिया खान की सरबराही में हुआ था और भुट्टो और मुजीब उसके कैरेक्टर्स थे, इसी तरह से अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। जैसा आप फलस्तीन की एग्जाम्पल को जोड़े हैं कि जो फलस्तीन के साथ हुआ, अल्लाह ना करे कि इस तरह हो जाए, लेकिन एक फर्क है, फलस्तीन के आसपास जो तमाम तर अरब ममालिक थे उन्होंने अपने जमीर बेचे और जाकर इसराइल को मानना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 के बाद ट्रेड खत्म कर दी, इंडिया को बहुत ज्यादा उसके राज को फाश कर दिया, इंडिया बहुत ज्यादा इंटरनेशनली ब्लैकमेल हो चुका है बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज जो वो करता रहा, तो फर्क नहीं है। ये जब कश्मीर ने कब्जा किया तो भारत तवक्को कर रहा था कि पाकिस्तान कुछ गैरत दिखाएगा, उसने अपनी फौजें लाके हमारी सरहदों पर खड़ी कर दी। पाकिस्तान की जानिब से हमारे वज़ीर खारजा ने जवाब दिया कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, आपने पूरे इंडियंस को रिलैक्स कर दिया। दूसरा मौका अल्लाह ने आपको अब दिया कि जब सिखों की तहरीक पूरे हिंदुस्तान में चल रही है और ये वक्त है कि खालिस्तान को आप सपोर्ट करें। पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर कहता है ये इंडिया का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान दखल नहीं देगा। हमारे दरवाजे तो अंदर से खोले जा रहे हैं, हमारे किले के दरवाजे तो अंदर से तोड़े गए,
दुश्मन से हमें क्या शिकायत, लेकिन हम बता रहे हैं आपको बिल्कुल साफ बात सुन लीजिए, हुकूमत जो मर्जी चाहे, फॉरेन मिनिस्टर जो मर्जी बयान दे, जो मर्जी नया गाना रिलीज कर देंगे, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर आ रहा है, आज नहीं एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, छह महीने बाद, साल बाद, ये मुमकिन नहीं है कि वो ना आए, और जब वो आएगा तो इनकी सारी ये खुराफात जो ये बकते फिर रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, अक्वामे मुत्तहिदा हमें प्लेबिसाइट करवा के दे, हम अमन का हाथ बढ़ा रहे हैं, ये सारे हाथ जो बढ़ा रहे हैं अमन के कट जाएंगे, ये वही दुश्मन की तलवार काटेगी उनको, फिर उनको पता चलेगा कि जैसा ये पिछले डेढ़ साल से मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं इस मसले के ऊपर, और आप यही डिफेंसिव नहीं, आप कह रहे हैं कि हमें एग्रेसिव होना चाहिए, हुकूमत की पॉलिसी डिफेंसिव है, आज भी हुकूमत ये कह रही है कि आपके साथ मोदी खेल रहा है, आओ बात करें, आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है? अगर मोदी हरकत कोई करता है, आप नहीं समझते कि ये दोनों तरफ से एटॉमिक पावर्स हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको देखेगी? ऐसा मुमकिनात में से लगता नहीं है जो आप पिछले एक डेढ़ साल से कह रहे हैं? देखिए, दुश्मन भी समझता है कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, और हम भी जानते हैं दुश्मन एटमी ताकत है, तो दुश्मन जो हिकमत अमली बना रहा है वो उस तरह की जंग है कि जो एटमी थ्रेशोल्ड से नीचे रहकर जंग की जाए। उन्होंने पाकिस्तान का मिजाज देख लिया है, ये खौफजदा हुकूमत, घबराए हुए लोग, अभिनंदन को एक फोन कॉल पर घबरा कर वापस कर दिया कि कहीं जंग ना फैल जाए, हालांकि उस वक्त हमारे पास मौका था कि हम तोड़ दांत तोड़ देते पूरी भारतीय फजाई के, भारतीय फौज के, आधा कश्मीर आजाद करा लेते, इस कदर हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी उस वक्त, इन्होंने सब कुछ जाया कर दिया। तो भारत इस किस्म के हमले कर रोज आप देखते हैं, दहशतगर्दी का अलर्ट होता है, हर महीने हमारे 40-50-60 जवान अफसर शहीद होते हैं, धमाके होते हैं, दहशतगर्दी होती है, हर किस्म की दहशतगर्द तहजीब इस वक्त एक्टिव हुई हुई है पाकिस्तान में, और आप इस वक्त इतने बड़े बड़े नेक्टा ट अलर्ट जारी कर रही है सिंध और कराची के लिए कि हर इदारा खतरे पर है, ये क्या हो रहा है, ये भारत क्या कर रहा है? और दूसरी जाने उसकी जो मिलिट्री प्रिपरेशन है, आप देखिए यकीन नहीं आता कि कोई मुल्क आज दुनिया में इतनी बड़ी जंगी तैयारी कर सकता है जितनी भारत कर रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर से लेके आप राफेल एयरक्राफ्ट ले लीजिए, ड्रोन, सैटेलाइट, टैंक, एमुनिशन, राइफल, दुनिया का कौन सा इक्विपमेंट है जो अरबों अरबों डॉलर का दुश्मन नहीं खरीद? ठीक, लेकिन जैसब जब आप इस हुकूमत की पॉलिसीज को डिफेंसिव कहें, कमजोर कहें, और कहें इस हुकूमत में मजीद इकदाम भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप जो पिछली हुकूमतें हैं या पीडीएम जो नैरेटिव लेकर चल रही है आप उसको सपोर्ट करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हमारे दौर में तो हिम्मत नहीं हुई, इस दौर में हर तरह की हिम्मत हो गई भारत को? पीएम पाकिस्तान को इस हाल में तो पहुंचाना, लिहाजा ये तो कुछ शिकवा कुछ भेजा है तो लाजिम शऊर वाली बात है। लेकिन इस हुकूमत को भी अब आए हुए 2.5 साल हो चुके हैं, 3 साल होने को आ रहे हैं, और पाकिस्तान की रियासत को जो इकदाम उठाना चाहिए थे, हर हुकूमत के अपने चैलेंज होते हैं, आप अपने चैलेंज पिछली पर नहीं डाल सकते, तो उनकी हिमाचतों और जहालतों की वजह से हम मारे गए। अगर कोविड का लॉकडाउन आपने किया है, कौन को आप वैक्सीन लगा रहे हैं, तो आप जिम्मेदार हैं, सरकारी और नवाजी जिम्मेदार नहीं है, ये जानते हुए कि अपनी हेल्थ मिनिस्टर कह रही है। जरूरत ही नहीं जी, आप क्यों डिफेंसिव पॉलिसी रखे हुए हैं? अगर पिछली हुकूमत को डिफेंसिव पॉलिसी रखी थी तो आपने क्यों डिफेंसिव रखी है? जब इंडिया बगैर जंग किए आपके 1 लाख आदमी शहीद करा सकता है, तो आप बगैर जंग किए खालिस्तान की तहरीक को सब कर सकते। इंडिया का नरेंद्र मोदी कहता है हम बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान। तो गाइस आपने ये वीडियो देखा, जैद हामिद एज़ यूजुअल हमेशा की तरह उसी तरीके की बात है जिस तरीके की वो पास्ट में करते आए हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि मोदी फिर हमला करने वाला है कश्मीर में, ये वो, इमरान खान कुछ नहीं कर रहा है, मोदी पीओके में घुस जाएगा। आप समझ सकते हो जैद हामिद किस तरीके की बातें करते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया अजरबैजान का, जहां पर अभी कुछ वॉर वगैरह हुई थी, आपने देखा होगा अगर आपने फॉलो किया है, जिसमें टर्की भी इन्वॉल्व था, पाकिस्तान में सोशल मीडिया में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी, तो उस तरीके की बातें जैद हामिद ने यहाँ पर की है। तो गाइस जैद हामिद बोल रहे हैं कि मतलब मोदी मुजफ्फराबाद एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में शायद अभी सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ी सिटी बोल सकते हैं उसको,
तो वो है वहाँ पर बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो गाइज आपको भी पता है ये 2021 चल रहा है और 21वीं सदी में आप वो 500 साल पहले वाले टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको पता है कि घोड़े पर बैठकर तलवार लेकर एक सेना लेकर जाकर आप किसी भी इलाके पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन अब ये सब नहीं चलता है। आपको भी पता है दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान के बॉर्डर से मान लीजिए राजस्थान के जो पुराने रियासत से किसी घोड़े लेकर या किसी को भेज दें जो राजस्थान की रियासतें थी, आपको पता है बहुत सारी रियासतें हैं राजस्थान में, जाएं पाकिस्तान में कब्जा कर लें, तो ये नहीं होने वाला है। आप उन सेनाओं को मतलब राजस्थान की, क्या मैं किसी भी सेना की बात करूँ या पाकिस्तान से कोई सेना आ जाए या भारत से कोई सेना चली जाए, बहुत सारे हथियार तोप गाड़ी सब कुछ लेके चली जाए और बोले कि पाकिस्तान में जाकर कब्जा कर लो, तो ये आज की दुनिया में ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आपको भी पता है पहले की दुनिया में ऐसा हो जाता था, अब ये पॉसिबल नहीं है। ये जमाना अलग है, सब कुछ अलग है। तो इस तरीके की सोच जैद हामिद ही रख सकते हैं अगर वो सोचे कि पाकिस्तान की फ़ौज मतलब जैसे अज़रबैजान या कुछ जो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं उस तरीके का करके जम्मू कश्मीर में घुस जाओ भाई, थोड़े समय के लिए आप 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन के लिए कब्जा कर लोगे, लेकिन वही हाल होगा जो करगिल में हुआ, जो हिस्ट्री है वैसा ही कुछ होगा। तो इस तरीके का इंडिया भी नहीं कर सकता। इंडियन आर्मी भी आप सोचो कि पाकिस्तान में घुस जाए, लाहौर में कब्जा कर ले, कितनी देर करेगी कब्जा? बस वही होगा फोटो सेशन, कुछ इमारतों के पीछे फ़ोटो खिंचवाएगी, वापस आना पड़ेगा। वहाँ के लोगों को आप मार नहीं सकते, वहाँ की आबादी 5 मुझे भी पता नहीं, शायद 2-2.5 करोड़ है आबादी, वहाँ पे पॉपुलेशन कैसे काउंट की जाती है आपको भी पता है, बड़ा विवाद चल रहा है अभी भी। तो ऐसा हो नहीं सकता है। अब तो जैद हामिद वो उस दुनिया से बाहर निकले और जैद हामिद ने कुछ खालिस्तान की भी बातें की। तो दोस्तों आपको भी पता है खालिस्तान के कुछ लोग तो हैं भारत में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ ही हैं, भारत के बाहर ज़्यादा हैं। और भारत के बाहर जो लोग हैं मतलब जो खालिस्तान समर्थक हैं वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। वो शायद 1947 का माइग्रेशन कत्लेआम सब कुछ नहीं भूले। वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में मतलब 1947 में इंडिया पाकिस्तान के बीच जो माइग्रेशन हुई थी वो फिर से रिपीट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ही पता है भारत में 2.5 करोड़ सिख, सारे सिख पंजाब में नहीं रहते, हर पार्ट में रहते हैं भारत के। तो वो फिर से क्या मतलब हर पार्ट से छोड़ छोड़ कर पंजाब जाएंगे, प्रॉपर्टी छोड़ेंगे, धंधा पानी छोड़ेंगे, यहाँ तक कि आपको भी पता है पाकिस्तान भारत में जो सिख हैं वो मतलब MLA हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सिख के तीर्थ स्थल मतलब वहाँ पंजाब बस में नहीं है, बिहार में है, दिल्ली में है, बहुत सारी जगह में। मतलब ये लोग क्या बेसलेस बातें कर रहे हैं, इनको कुछ बेवकूफ़ है, यहाँ पर सिखों कि को क्या दिक्कत है, मतलब यार यहाँ पे कितने बेवकूफ़ हैं वो, मतलब जो बाहर बैठे सिख हैं। मैं भारत में बैठे जो सिख हैं जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं डेफिनेटली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 95% सिख का कोई लेना देना नहीं है खालिस्तान से। उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप ऐसे को सोशल मीडिया में आके कमेंट करें, वीडियो बनाएं, पोस्ट करें जो बाहर बैठे हैं, जो मतलब इतना जहर उगल रहे हैं। आपको ही पता जैसे जस्सी जैसा सिंगर या हार्डकोर जैसी सिंगर जो भारत में काम करती है, बॉलीवुड के लिए गाने गाती है, उसके बाद कनाडा में जाके वो खालिस्तान करती है। तो इन लोगों को आप अच्छा कड़ा जवाब दें, हमें कोई मतलब शक नहीं है कि आप लोग खालिस्तान की डिमांड करते हैं। कुछ लोग रहते हैं बेवकूफ़ रहते हैं, किसी के मतलब बातों में बहक जाते हैं तो वो आ जाएंगे, सही हो जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इन लोगों को समझाएं, आपका देश है भारत, आप भारत में जहां रहना चाहते हैं वहां रहें, यहां पे आपको कभी भी द्वयम दर्जे का नागरिक समझा नहीं गया है। बस यही रिक्वेस्ट।